एनसीईआरटी का 12.1 ऑन पेज नंबर 203 क्वेश्चन नंबर 5. साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो. ट्राइंगल्स के साइड हमें रेशियो में दे रखी है और इसका पैरीमीटर दे रखा है. वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. सो जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उन्हें हम रेशियो में हैं तो ऐसे सपोज कर लेंगे, ए को 12x ले लिया हमने, बी को 17x ले लिया और सी को 25x ले लिया. पैरीमीटर हमें दे रखा है, पैरीमीटर इज हाउ मच, 540 सेंटीमीटर. पैरीमीटर इज सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. ए इज 12x, बी इज 17x एंड सी इज 25x. हम इन सबको प्लस करेंगे, वी गेट 54x. सो 540 डिवाइडेड बाय 54, वी गेट 10 सेंटीमीटर. वी गेट 10. सो ए इज 12x, 12 × 10 = 120. B is 17x, 17 × 10 = 170. C is 25x, 25 × 10 = 250. So for finding area, first of all we have to find the semi-perimeter. Semi-perimeter is A plus B plus C upon 2. That is 120 plus 170 plus 250 divided by 2. इन सबको हम प्लस करेंगे, सम लेंगे, वी गेट 540 डिवाइडेड बाय 2, 270. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस इज 270, एस माइनस ए 270 माइनस 120, S minus B 270 minus 170, S minus C 270 minus 250. 270 as it is आएगा, 270 में से 120 minus करेंगे, 0, 150. 270 में से 170 minus करो, और 270 में से 250 minus करेंगे, 20. Now, इनके अब हम क्या करेंगे, factors बनाएंगे. इस 27 को हम ऐसे लिख देंगे, 27 × 10, 150 को 10 × 15, 100 10 × 10 एंड 20 10 × 2. तो जो जो पेयर्स बन रहे हैं उन्हें पहले बाहर निकाल देते हैं. ये 10 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 10 का पेयर बन रहा है. रेस्ट अंदर रखते हैं और उनके फिर फैक्टर्स बनाते हैं. तो 10 × 10 = 100 हो गया. 27 is 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. 15 is 3 × 5, 10 is 5 × 2 and remaining 2. ये फैक्टर बना, 3 बाहर आ गया, इस फैक्टर से 3 बाहर आ गया, इस पेयर से 5 आ गया, इस पेयर से 2 आ गया. सब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 × 90, 9000 cm² is your answer.